गुड मॉर्निंग फ्रॉम सापा। वियतनाम में हानोई से कल रात को सापा में आया था, आपने शायद पिछले वीडियो में देखा होगा। अभी सुबह सुबह नहीं, दोपहर लगभग हो गया, 12 से ऊपर ही ज़्यादा कुछ हो गया है। इस वक्त सापा में एक हॉस्टल में हो, लस्टिंग हॉस्टल। हॉस्टल भी है और एक यहाँ पे प्राइवेट रूम भी है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे हॉस्टल में रुकने का फैसला किया था, बट बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे दादा और मैं भी। तो दादा ने सोचा क्या नहीं, आज प्राइवेट रूम ले लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो हमारे हॉस्टल के बालकनी से कुछ इस तरीके का व्यू देखते हैं, माउंटेन है और जो सापा का जो विलेज है, जो शहर है छोटा सा, वो नज़र आता है। यहाँ से निकले थे, रेडी होके सोचे थे बाहर कहीं जाएंगे, बट बारिश चालू हो गया। यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। तो फिलहाल थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, अभी थोड़ा बाहर निकलेंगे, देखते हैं आज के लिए साइट सीइंग के लिए क्या क्या देखने के लिए मिलता है हमें। और सापा में लोग अगर बेसिकली आते हैं तो फांसी पॉइंट एक पॉइंट है, केबल कार से जो जाते हैं उसी के लिए लोग आते हैं, बट फिलहाल आज हम नहीं जा रहे हैं, हम शायद कल जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको रूम टूर देता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ आज कहाँ कहाँ जा पाते लोकल में, फांसी पॉइंट छोड़ के देखते कहाँ कहाँ जा पाते। फिलहाल आपको मैं थोड़ा रूम टूर देते हैं, हमारा रूम टूर कैसा है। मैं बालकनी से शुरुआत कर रहा हूँ। ये बालकनी हमारा, ये घर के अंदर घुसते ही ये हमारा दो टेबल चेयर लगा हुआ है। यहाँ पर एक बैठने का जगह है जहाँ पे आप अपने डेस्क काम कर सकते हो। आईना लगा हुआ है, ये हमारा बेड है और ये शानदार सा दो पेंटिंग और ये अलमारी दो आप अपना सामान रखने के लिए। सबसे बड़ी बात भाई, ब्लर क्यों हो गया, आजा आजा आजा। हाँ देखिए भाई, 65 इंच का इतना बड़ा टीवी, हम तो सुबह नेटफ्लिक्स में दादा एक मूवी लगा के रखे हुए थे वो देख रहे थे। इसमें छोटा सा फ्रिज है और इसमें पानी गर्म करने के लिए या फिर कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी टी। और इसको मैं अभी डोर बर्ड बंद कर देता हूँ क्योंकि हमको अभी निकलना है यहाँ से। ओके सो ये हमारा लगेज है, बैग है, हेलमेट है और यहाँ से ये डोर आउट और ये छोटा सा वॉशरूम। गर्म पानी भी आता है, सब चीज़ें। तो फिलहाल ज़्यादा देरी ना करते हुए हमको अभी निकलना पड़ेगा, नीचे जाते हैं। दादा बात करने के लिए गए अपग्रेड करने के लिए, कि हमेशा भी एक दिन के लिए बात किया था अपग्रेड का। अब नीचे जाते हैं अपग्रेड का और बात करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। गाइस ये हमारा हॉस्टल है और सिमिलरिटी यहाँ पे प्राइवेट रूम भी है, लस्टिंग हॉस्टल। हम ये भी यहाँ से निकल रहे हैं और दादा भी रेडी है। गुड मॉर्निंग गाइस, हमारा ये बाइक हमने हानोई से लिया हुआ था, तो ये होंडा
XR 150 काफ़ी ज़ोरदार एडवेंचरस बाइक है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे स्कूटी में आते हैं, ऐसे होंडा का XR, ऐसे छोटे छोटे स्कूटर रहते हैं, मैनुअल स्कूटर रहता है। रोड जैसे है उसमें ये स्कूटी चलाने लायक नहीं है, तो हमने सही डिसीजन लिया। अगर आपका ये बाइक पुराना भी मिल रहा था, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा पैसे दे के नया लिया। अब ज़्यादा पैसे हम लोगों को लग रहे थे वहाँ पे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोगों ने वहाँ पे लिया 400K, मतलब लगभग आपके हो गए 1300-1350 रुपये के आसपास हम लोगों ने वहाँ से रेंट पे लिया। लेकिन यही सेम बाइक अगर हम यहाँ पे रेंट पे लेते तो 550K करके पड़ता, मतलब 5.5 लाख वियतनामी डॉन करके पर डे का पड़ता है। तो हम लोगों ने एक वाइज डिसीजन लिया, थोड़ा मेहनत होगा हम लोगों का स्पीड में, लेकिन बेसिकली ये जो डील है वो ज़्यादा अच्छा हम लोगों के लिए पड़ा। और ये हमने सही डिसीजन लिया ये बाइक लेके, क्योंकि जो रोड था 50% ये बाइक इसके लिए बनी हुई है, क्योंकि अगर हम ये बाइक लेते तो हमें हम पहुँच तो जाते बट थोड़ी सी परेशानी और होती, क्योंकि इसका व्हील बड़ा बड़ा है, इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। बेसिकली ये वाला बाइक जो है एडवेंचर बाइक है, होंडा की तरफ से है, तो होंडा का बाइक मतलब बहुत ही रिफाइंड इंजन है और काफ़ी प्रीमियम बाइक है, चला के भी काफ़ी मज़ा मिल रहा है, तो सही डिसीजन ही है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आकाश चलो हम लोग निकलते हैं और आज के नए जगह पे लोगों को दिखाते हैं। मतलब घर से निकलते ही ऐसा व्यू मिल रहा है, सामने ही पहाड़ दिख रहा है, तो क्या ही कहना। तो यहाँ से शायद कुछ 15 या 16 किलोमीटर है, एक पॉइंट है नाम पास एक पॉइंट है, अब देखते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं कितना समय लगता है, 1/2 घंटा बता रहा है। आई होप रास्ता भी ठीक रहेगा, वहाँ पे पहुँचने के बाद व्यू भी सही रहेगा। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. हमने आज का साइटसीइंग का जो पहला लोकेशन हम देखे थे सापा शहर से लगभग 15 या फिर 16 किलोमीटर दूर के बाद ये जगह हमें मिल गया। हम बेसिकली थोड़ा सा आगे चले गए थे एक और स्पॉट पर, बट वो जगह नहीं था, वो कुछ और ही था। तो फाइनली हमें जो गेट था, मतलब जो सापा व्यू गेट जो बोलते हैं, तो यहाँ पर है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और कैफ़े भी है, तो हम अभी यहाँ से रेस्टोरेंट की वो ऊपर से एक दूर में शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, हम वहाँ तक जाएंगे। अपना बाइक यहाँ पे पार्किंग कर दिया है, बाइक के साथ यहाँ पे और भी जितने सारे व्हीकल्स हैं वो सारे यहीं पे पार्किंग होते हैं, और हम अभी इस तरफ ऊपर जाएंगे। थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था और कल रात को हमने केक खाया था और नूडल्स के साथ कुछ खाया था, तो इतना ज़्यादा पेट नहीं भरा था, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और लोकेशन भी यहीं पर ही है, तो बेटर है कि यहीं पे पहले अभी कुछ लंच कर ले, फिर उसके बाद ऊपर जो हेवन गेट है वहाँ तक पहुँच जाए। तो शायद यहाँ से ये व्यू पॉइंट जाने के लिए और अंदर का विज़िट करने के लिए टिकट लेना है, 120 वियतनामीज़ डॉन्ग। यहाँ से हम अभी एंट्री करेंगे। Thank you.
खूबसूरत सा ये रेस्टोरेंट है। खाने में देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। खाने का जो प्राइस है वो काफ़ी रिजनेबल है, उतना भी ज़्यादा नहीं है। मिक्स फ्राइड राइस है 75, मतलब बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। 40, 45, 50, 55, 1 fried chicken समथिंग लाइक दैट। देखते हैं दादा को क्या ऑर्डर कर दें। यू डोंट हैव? ओके देन गिव मी। अच्छा, जो मैंने खाने के लिए जो ऑर्डर किया था नूडल्स के साथ एग, और ये है वियतनाम का फेमस साइगन बियर, और दादा ने लिया है वेजिटेरियन फ्राइड राइस और साथ में जिंजर टी। क्योंकि बहुत दिनों से कह रहे थे कि दादा चिकन 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 ही हो रहे और वेजिटेरियन कुछ खाने को मिला नहीं। दादा कैसा लग रहा है अगर कोई वेजिटेरियन अगर ये खाता है तो? ठीक है, ठीक ठाक है, पेट भरने के लिए। मतलब कैसा टेस्ट रहा है? सादा है एकदम, मतलब ऐसा कुछ फ्लेवर वगैरह कुछ है नहीं। अच्छा, ठीक है, पेट भरने के लिए ठीक है, क्वांटिटी अच्छा है। ओके चलो, मैं भी नूडल्स के साथ एक ये ट्राई करता हूँ। सबसे बड़ा स्ट्रगल यहाँ पे है खाने के लिए, आपको हर समय ऐसे चॉपस्टिक दिया जाएगा खाने के लिए, बट मेरे पास है ये सूप वाला स्पून। सो एकदम इसे ट्राई करके, नहीं होता तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। एंट्रेंस है यहाँ का रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद, इस तरफ से आप सीधा इस गेट की ओर से जाएंगे सीधा सीधा। जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ का मौसम भी बहुत जल्दी बदलता है, कब बदलता है कुछ पता नहीं। कभी बहुत बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, हल्की फुल्की बारिश होती है, फिर धूप आ जाती है, फिर बारिश हो जाती है। यहाँ पर तो और ही अलग ही मज़ा है। I love you, this view. क्या व्यू है भाई यहाँ से देखो, चारों तरफ वैली और बीच में से क्या व्यू देखो, वो जो दूर आपको दिख रहा है वहाँ पे धूप है और इस तरफ पूरा बादल छाए हुए हैं बिल्कुल सा। नीचे काम हो रहे हैं, शानदार सा नज़ारा। अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे सीधा। बस हम लगभग पहुँच ही गए हैं ऊपर, थोड़ा सा सीढ़ी है आपको चढ़ने की, बस थोड़ी सी ज़रूरत है और आप पहुँच जाएंगे द हेवन ऑफ मच।
दोस्तों यहाँ पे फोटोजेनिक बहुत सारा जगह है जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ आके यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट हैं। और एक स्पॉट है स्वर्ग की सीढ़ी, लग कुछ उसी तरह से है। अब मैं ऊपर जाता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ आपको व्यू कैसा दिखता है। देखिए कैमरा जस्टिफाइज नहीं कर पाएगा कि मैं कितनी ऊँचाई पर हूँ और कैसा दिखता है, बट मैं ऐसे फील कर रहा हूँ और वही मैं आपको बता पा रहा हूँ। और अभी यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा और नीचे नेट भी लगी हुई है तो कोई उतनी भी डरने वाली बात नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा केयर रहने की ज़रूरत है जब ऊपर चलोगे। थोड़ी सी मुश्किल है कैमरा इस हाथ में रख के ऊपर चलना, फिर भी यहाँ तक आ गया हूँ। अब आगे कैमरा दिखाता हूँ क्योंकि ऐसा अगर चलूँगा अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ गया तो ना मेरा वीडियोस आएंगे और ना ही मैं। एक दो तीन चार, बस अब आगे ऊपर ज़्यादा नहीं खड़े रह सकता क्योंकि मेरी फटी पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों हवा चल रहा है तो ऑलरेडी पैर मेरा लड़खड़ा रहा है, तो मैं वापस नीचे जाता हूँ कैमरा रख के। A few moments later. अब हम जा रहे हैं यहाँ का टेंपल में, मंदिर में। और देखिए कितनी कितनी शानदार सी छोटे छोटे मूर्तियाँ बनी हुई है। देखिए लाफिंग बुद्धा का मूर्ति है यहाँ पे, अलग अलग तरह की मूर्ति है यहाँ पे। और ये जो मंदिर है ये वियतनामीस लोग चाइनीज़म चाइनीज़ बुद्धिज़्म है वो फॉलो करते हैं और वही ये मूर्ति बनी हुई है अंदर। देखिए इस तरफ यहाँ पे लाफिंग बुद्धा भी है, बहुत ही शानदार कलाकारी है पत्थर के द्वारा यहाँ पे मूर्ति में, और काफी कम लोग हैं यहाँ पे। पानी कभी भी गिरने लग जाता है, कभी भी पानी स्टार्ट हो जाती है, उतनी भी ज़ोर से नहीं बट हल्की फुल्की पानी। अच्छा उस तरफ कुछ है क्या? उस तरफ है ना एक मूर्ति है और एक अंदर कुछ है गुफा के अंदर। गुफा गुफा छोटा सा गुफा मैं देख के आऊँ क्या? हाँ जाओ देख के आओ। अच्छा मेरे देखिए गुफा है छोटा सा मूर्ति है, पानी गिर रहा है तो फटाफट जाता हूँ और देखता हूँ। पानी गिर रहा है यहाँ पे बट स्टिल ठीक है, चलता है इतना। ओ ये गुफा है ऊपर, गुफा इस तरफ है, मैं गलत रास्ते में चला गया था। ओ भाई साहब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ये भले आर्टिफिशियल है बट ठीक है। A few moments later. এখন আকাশটা আবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। দেখিয়ে काफी सारे वियतनामीस मोहतरमाएं यहां पे लाइन लगी हुई है फोटो खिंचाने के लिए। सब फोटो का तामझाम है। सारे के सारे फोटो के तामझाम। हम अगर आधे घंटे भी यहां पे खड़े रहेंगे तो भी शायद मौका नहीं मिलेगा हमें यहां तक पहुंचने के लिए, मतलब ऊपर फोटो खिंचाने के लिए। जब हम आए तो कोई भी नहीं था।
सितंबर, 9 सितंबर बर्थडे তাহলে আমার খাওয়া দাওয়াটা কই বল ভালো হইছে আমি নাই পয়সা তো পাইছি যে পোত ফাটায় পয়সা খরচা করে বাংলাদেশ যাই খালি ইচ্ছা তো আছে দেখি জানুয়ারিতে যাওয়া ডিসেম্বর জানুয়ারিতে যাওয়া ঠান্ডা দেখা যাও না भाई छाता है तो इसलिए बच गए किसी न किसी तरीके से। छाता, पानी और ये शानदार सा व्यू। अभी शायद गाड़ी चलाने के लायक नहीं रहेंगे, पूरा भीग जाएंगे। छाता से काम नहीं चलेगा, अभी रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पर चुपचाप बैठेंगे। दादा को खोपचा मिल गया है। ओ भाई की क्या है, देखने से आपको लगा कि वर्ल्ड वार 2 का होता है, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। बट लक तो वैसे ही रहा है, क्योंकि अंदर से इसमें पानी आ रहा है। इसको बनाया गया है ऐसा ताकि पानी आए और ये यहाँ से पानी जा रहा है। बट मटकी हम नहीं खोल सकते क्योंकि पूरा टेप मरा हुआ है। पता नहीं अंदर से मम्मी को निकल के आ जाए, जरूरत नहीं है। रहस्यमय चीजों को रहस्यमय रहना चाहिए।